हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरबजीत राला। आज हम मेरे साथ पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल। सो हाउ वी कैन प्रिपेयर द साइक्लिक एसिटल इफ वी हैव हियर द एसिटाल्डिहाइड एंड इन द इफ इट रिएक्ट विद द ग्लाइकोल। दिस इज द ग्लाइकोल हियर, CH2OH। ये ग्लाइकोल है हमारे पास, और यहाँ पे ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ PTS, दैट इज कॉल्ड पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, तो देयर फोर वी विल गेट हेयर द साइक्लिक एसिटल। हेयर इज ओ, यहाँ पे CH2, हेयर इज ओ एंड CH2, एंड दिस इज कॉल्ड हेयर, इट इज कॉल्ड हेयर साइक्लिक एसिटल्स। सो फ्रेंड, अब इसका हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन प्रिपेयर द साइक्लिक एसिटल बाय दिस मेथड। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। दिस इज द रिएक्टेंट एसिटाल्डिहाइड एंड ग्लाइकोल। दीज आर द रिएक्टेंट हेयर विच आर रिएक्टिंग टूगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ द पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, और ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट है। तो अब हमने फ्रेंड्स यहाँ पे देखना है कि जो PTS है, दैट इज पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, तो जो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज दी पैराटोलिन एंड सल्फोनिक एसिड SO3H। तो दिस इज पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड। तो जब ये डिसोशिएट होगा तो ये अपना H पॉजिटिव तो देगा ही, एंड जब H पॉजिटिव देगा तो यहां से, तो वो ही ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेप है कि पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड जो है वो क्या हमें H पॉजिटिव आयन देगा। अब सेकेंड स्टेप देखिए कि अगर ये CH3, ये जो एसिटाल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड के साथ ये वाला प्रोटोन जो पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड से आएगा, तो ये एसिटाल्डिहाइड की ये जो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर जो इस प्रोटोन को डोनेट करेगा। सो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हेयर, CH3, हेयर इज एच एंड हेयर इज ओ, डबल बॉन्ड ओ है। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने जो है लोन पेयर जो है वो इस प्रोटोन को डोनेट कर दिए। तो आफ्टर दैट ये जो है इस सिग्मा बॉन्ड है ये पाई है, तो ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव एंड विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन एंड स्टीट वार्ड इटसेल्फ। सो देयरफॉर दिस कार्बन विल नाउ विच कैरी विच चार्ज पॉजिटिव। तो व्हाट वी विल गेट हेयर, CH3 एंड हेयर इज H एंड हेयर इज OH एंड दिस कार्बन कैरी विच चार्ज पॉजिटिव। ये फ्रेंड्स हमारा जो है सेकेंड स्टेप था। अब देखिए फ्रेंड, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा विच इज इम्पॉर्टेंट हेयर। दिस इज द CH3, हेयर इज H एंड हेयर इज द OH, और इसके बीच में हमने किसको ऐड करना है, ग्लाइकोल को। तो ये ग्लाइकोल का फार्मूला ये है, CH2, हेयर इज OH एंड OH। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन है, इन दोनों के ऊपर क्या है, लोन पेयर यहाँ पे है। तो इन दोनों में से ग्लाइकोल के ये जो OH हैं, इन दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करें। तो यहाँ पे ये जो एक अल्कोहल है ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे, तो ये सपोज अगर ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर देता है। सो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हेयर, CH3, हेयर इज H एंड हेयर इज OH एंड हेयर इज द, वी विल गेट हेयर इज O एंड हेयर इज H, दिस वन इज द CH2 एंड हेयर इज द CH2, एंड इसके साथ जो है ये वाला OH मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। अब ये वाली ऑक्सीजन अगर आप लोगों ने लोन पे डोनेट कर दी, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। सो देयरफॉर ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट कर द पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे इसको अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और ये वाला जो है ऑक्सीजन, ये वाला, इसके ऊपर भी तो लोन पेयर पड़े हैं, तो ये प्रोटोन जो है वो इस, ये वाले जो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस प्रोटोन को डोनेट करेगी। सो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हेयर, CH3, हेयर इज H एंड हेयर इज O एंड यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं OH2, और यहाँ पे ये बन गया O, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे है जी ये वाला O के साथ H। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखें,
ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट किए इस प्रोटोन को, तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के फिर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से विदड्रॉ करेगा। तो अगर ये विदड्रॉ करेगा तो फिर इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर जो है वो इस कार्बन को डोनेट करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनेट करेगा। सो देयर फोर वॉट वी विल गेट हेयर, वी विल गेट सी एच थ्री, हेयर इज एच एंड हेयर इज द वी विल गेट हेयर इज ओ, यहाँ पे सी एच टू, यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे ओ सी एच टू, और ये दोनों बॉन्ड आपस में कंबाइन कर देंगे और साथ में क्या हो गया? एलिमिनेट वाटर। अगर इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर जो है वो डोनेट किए हैं तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए इसके ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आफ्टर दैट इन द लास्ट स्टेप दिस ऑक्सीजन जो है बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट कर द पॉजिटिव, तो ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से विदड्रॉ कर लेगी। तो वी विल गेट हेयर द साइक्लिक एसीटल, सो रिमेनिंग इज हेयर द साइक्लिक एसीटल। तो आफ्टर द लॉस ऑफ प्रोटोन वी विल गेट हेयर सी एच थ्री, हेयर इज एच एंड हेयर इज ओ सी एच टू एंड हेयर इज ओ सी एच टू एंड दिस वन। सो दिस इज द साइक्लिक एसीटल। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसीटल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।